फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंस डेली द हिंदू वोकैबुलरी पावर्ड बाय वोकैब 24 ऐप। और फ्रेंड्स, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो वाईफाई स्टडी के वीडियो कोर्सेज आप ले सकते हैं जो कि ऑनलाइन पेन ड्राइव एसडी कार्ड सभी में अवेलेबल है। साथ में आपके पास क्वेरी के लिए अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप 7023336 75 के ऊपर कॉल या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और अपनी कोई भी इंक्वायरी जान सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ में आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में भी देख सकते हैं और वीडियो कोर्सेज में 300 से ज़्यादा वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है फ्रेंड्स, तो आप वोकैब 24 के प्राइम मेंबर बनना बिल्कुल ना भूलिए, जहाँ पर ट्रिपल लाइन के अंदर सिर्फ आपको कंप्लीट इंग्लिश का, सिर्फ वोकैब नहीं मिल रही, कंप्लीट इंग्लिश का एक सोल्यूशन आपको मिल रहा है जिससे आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छी कर सकते हैं। और पहला वो क्या आप देखते हैं आज का जो कि द हिंदू में से है, वो है रिनेग। रिनेग एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गो बैक ऑन ए प्रॉमिस, अंडरटेकिंग और कॉन्ट्रैक्ट। जब आप किसी चीज़ से मुकर जाते हैं, अपनी बात बोल के पीछे हट जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रिनेग कहते हैं। ठीक है, वैसे लाउ डिफॉल्ट ऑन, फेल टू ऑनर, गो बैक ऑन, बैक आउट ऑफ, पुल आउट ऑफ, विदड्रॉ फ्रॉम, रिट्रीट फ्रॉम, बैकट्रैक्ट ऑन, ये सब इसके सिनोनिम है। और एग्जाम्पल क्या है, द गवर्नमेंट हैड रिनेग्ड ऑन इट्स इलेक्शन प्रॉमिसेस, यानी जो गवर्नमेंट है वो मुकर गई अपने जो उसने इलेक्शन में प्रॉमिसेस किए थे। वर्ब फॉर्म्स क्या है, रिनेग, रिनेग्ड एंड रिनेग, और रिलेटेड वर्ड क्या है, रिनेग यानी कि नाउन है जो एक, और इसका ओरिजिन कहाँ से, मिडेवल लैटिन वर्ड से इसका ओरिजिन है। अब देखते हैं इसकी ट्रिक कितनी आसान है। देखिए, रेन आ गई तो फैमिली ने रिनेग किया। तो देखिए, रेन आ गई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली ट्रिप जाने का कहीं प्रोग्राम था, घर से बाहर जा ही रहे थे, इतने में तेज रेन आ गई, बारिश आ गई, तो फैमिली के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने क्या कहा, प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। वो मुकर गए कि अब तो हम बाहर नहीं जाएंगे। तो बच्चे क्या बोल रहे हैं कि रेन आ गई तो फैमिली ने क्या किया, रिनेग किया। तो रेन को यहाँ पे हम रिनेग से रिलेट करके इसे हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर रेन आ जाएगी तो फैमिली क्या करेगी, रिनेग करेगी, अपनी बात से मुकर जाएगी। वो ऐसे नहीं होते कि उन्होंने बोल दिया तो बोलते, चाहे बारिश आए कुछ भी आए, वो लोग जाएंगे ही जाएंगे, वो लोग मुकर भी जाते हैं। अगर कुछ भी उन्हें लगता है कि अनसर्टेन कंडीशंस है या बाहर क्लाइमेटिक, तो क्या होते हैं, वो रिनेग कर जाते हैं। तो रेन आ गई तो फैमिली ने क्या किया, रिनेग किया। रिनेग किया यानी कि अपनी बात से मुकर गई। तो इस तरीके से रेन और रिनेग को हम रिलेट करके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसमेंटलिंग, ये एक वर्ब है जिसका मतलब क्या है, टू डिसेंबल और पुल डाउन, टेक अपार्ट, टू डिप्राइव और स्ट्राइप ऑफ ब्रेटेस्ट फर्नीचर, इक्विपमेंट, डिफेंस एक्सेट्रा। तो देखिए, किसी भी चीज़ के टुकड़े टुकड़े कर देना, उसको अलग कर देना, उसको अपन डिसमेंटल कहते हैं। ठीक है, डिसअसेंबल, व्रैक, स्ट्रिप डाउन, और एंटम्स क्या है, रिपेयर या फिर रिस्टोर। और इसका एग्जांपल क्या है, बैंक्रप्सी हैज डिसमेंटल द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो बैंक्रप्सी ने क्या कर दिया, डिसमेंटल कर दिया ऑर्गेनाइजेशन को, उसको तोड़ दिया। अब इसके वर्ब फॉर्म्स क्या है, डिसमेंटल, डिसमेंटल्ड एंड डिसमेंटल्ड, और रिलेटेड वर्ड क्या है, डिसमेंटलमेंट और डिसमेंटलर। डिसमेंटलर कौन होगा, जो कि तोड़ेगा। ओरिजिन कहाँ से इसका, इस वर्ड का जो ओरिजिन है वो 16th century में इसका लैटिन वर्ड से इसका ओरिजिन निकला है। ठीक है, और अभी देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है, डिसमेंटल मेटल को डिसमेंटल किया, तो दिस मेटल को क्या किया, डिसमेंटल किया। तो देखिए, कोई भी मेटल है जैसे कि आयरन है या कुछ भी एक्स वाई जेड है, मेटल है, ओके, तो ये मशीन क्या कर रही है, उस मेटल को डिसमेंटल कर रही है, यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े कर रही है। आप देख सकते हैं क्रेन बुला रखी है यहाँ पे, तो ये जो मेटल है ना, इसको क्या कर रही है, डिसमेंटल कर रहे हैं। डिसमेंटल कर रहे हैं यानी कि इसको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेटल वर्ड तो आपको पता ही है हमेशा से, और डिसमेंटल का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ के टुकड़े टुकड़े करना। ठीक है, तो दिस मेटल को डिसमेंटल किया, डिसमेंटल किया यानी कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं हेजेमनी। हेजेमनी एक नाउन है जिसका मतलब है लीडरशिप और प्रेडोमिनेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज बाय वन नेशन ओवर अदर। तो कोई भी अथॉरिटी होती है, किसी की चीज़ की डोमिनेंस होती है, लीडरशिप होती है, सुप्रीमेसी होती है, उसको हम हेजेमनी कहते हैं। ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड है द हिंदू के अंदर और आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम में। एंटोनिम्स देखिए बड़े आसान है, हेल्पलेसनेस, वीकनेस, इम्पोटेंसी, पावरलेसनेस। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स, अथॉरिटी, प्रीडोमिनेंस, लीडरशिप, डोमिनियन, सुप्रीमेंसी। और एंटोनिम्स क्या है, हेल्पलेसनेस, वीकनेस, इम्पोटेंस, इम्पोटेंसी और पावरलेसनेस। और एग्जांपल देखते हैं, द ऑलमाइटी डॉलर विच एट वन टाइम सर्व्ड एज अ टूल ऑफ हेजेमनी इज नॉट अ वायबल अ टूल एट प्रेजेंट। यानी जो एक ऑलमाइटी डॉलर, ओके, जो एक बहुत ही एक टाइम पे डोमिनेट किया करता था, अभी एक वो डोमिनेट करने वाला टूल नहीं रह गया है। रिलेटेड वर्ड क्या है, हेजेमोनिक, हेजेमोनिकल, ओके, और एंटी हेजेमोनी और एंटी हेजेमोनिक्स। और अभी देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है, हज पे कुछ लोगों का हेजेमनी नहीं है, तो आप सभी को पता ही है कि हज के ऊपर जब जाते हैं तो वहाँ पे सभी लोग जाते हैं। लॉटरी सिस्टम से क्या होता है कि वहाँ पे ड्रॉ निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि जो पावरफुल लोग हैं वही हज पे जा सकते हैं, हज पे किसी का भी हेजेमनी नहीं है, यानी कि वहाँ पे किसी की भी अथॉरिटी नहीं है, लीडरशिप किसी की नहीं है, कि सिर्फ यही लोग जाएंगे, बिल्कुल पार्शल चीज़ें हैं।
ठीक है, और हज पे कुछ लोगों का हेजेमनी नहीं है, यानी कि वहाँ पे डोमिनेंस नहीं है। तो हज को अपन हेजेमनी से लेट करके इसको इजीली याद कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रोलीफरेशन। प्रोलीफरेशन एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, रैपिड एंड ऑफन एक्सेसिव स्प्रेड और इंक्रीज। तो किसी भी चीज़ का जो स्प्रेड होता है, प्रचार होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रोलीफरेशन कहते हैं। सिनोनिम क्या है, जनरेशन, क्रिएशन, प्रोपगेशन, और एंटोनिम्स क्या है, अबेटमेंट, डिक्लाइन, डिक्रीज, डिक्रीमेंट या फिर डिप्लेशन। अब देखिए इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो प्रोक्रिएशन यहाँ पे फिर भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और अबेट भी आप याद कर सकते हैं, अबेटमेंट भी याद कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल देखते हैं, प्रोलीफरेशन ऑफ द इलीगल ड्रग्स इन दिस कंट्री हैज बिकेम अ सीरियस सोशल प्रॉब्लम। यानी कि जो जिस तरीके से रैपिड इंक्रीज हो रहा है इलीगल ड्रग्स का अपने देश में, ये एक सीरियस सोशल प्रॉब्लम बन गई है। ओरिजिन कहाँ से, 16th century से उसका ओरिजिन है, फ्रेंच वर्ड से, ठीक है। प्रोलीफेरस, प्रोलीफेरस का मतलब था कोई भी चीज़ जो कि रैपिडली इंक्रीज हो रही है, फैल रही है। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है, प्रो कब लीग का प्रोलीफिकेशन बहुत अच्छा हो रहा है। तो जो प्रो लीग का जो प्रोलीफरेशन है, यानी कि जो उसका प्रचार है, जो उसका जिस तरीके से ये फैल रही है, आपको पता है ये प्रो लीग जो प्रो कबड्डी लीग है वो पहले तो एक साल के अंदर हुआ करती थी एक बार, ओके, वन एक बार हुआ करती, लेकिन अब एक साल के अंदर ही दो दो बार ये हो रही है। तो इसका कुल मिला के मतलब क्या हुआ कि जो प्रो लीग है ना, इसका प्रोलीफरेशन बहुत अच्छा हो रहा है, यानी कि जो इसका प्रचार है और इसका जिस तरीके से फैल रही है लोगों में, वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो प्रोलीफरेशन का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ जो कि रैपिडली फैले। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन, जो कि नाउन है जिसका मतलब होता है स्टेटेड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी मेनली इन फॉरेन और मिलिट्री अफेयर्स। तो देखिए डॉक्ट्रिन का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड ही नहीं होता है, एक्चुअली गवर्नमेंट से रिलेटेड इसका ओरिजिन था, इसलिए वजह से इसको याद करते हैं कि जो प्रिंसिपल होते हैं किसी भी चीज़ के, उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन। लेकिन ये हर चीज़ के लिए, हर किसी भी चीज़ के जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, विश्वास योग्य नीति है, उसको हम डॉक्ट्रिन कहते हैं। बिलीव, जिसको कहते हैं बिलीव सिस्टम, कंसेप्ट, टेनेट, और एंटीनोमी का और एंटीनम्स का होंगे एम्बिग्यूटी। अब यहाँ पे एम्बिग्यूटी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंटीनम्स में से। और एग्जांपल देखते हैं, द कॉन्कर्ड ऑफ द इराक वाज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द बुश डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिवेंटिव वॉर। जो कॉन्कर किया था इराक का, वो पहला टेस्ट था बुश के सिद्धांतों का प्रिवेंटिव वॉर को लेकर। रिलेटेड वर्ड क्या है, सेल्फ डॉक्ट्रिन, जो कि एक नाउन है। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है, डॉक्टर लोगों के डॉक्ट्रिन अच्छे होने चाहिए। तो आप सभी को पता है जो डॉक्टर लोग होते हैं उनके डॉक्टर, उनके सिद्धांत बड़े अच्छे होने चाहिए। डॉक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पैसों के लिए ही लोगों को हेल्प करे, अगर कोई गरीब आदमी है तो उसकी भी उसके मदद करनी चाहिए। तो कुल मिला के जो उनके प्रिंसिपल है, बिलीव है, जो उनके आइडियोलॉजी है, सिद्धांत है, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। तो डॉक्टर को डॉक्ट्रिन से रिलेट करके हम इसे हमेशा याद कर सकते हैं, दोनों बहुत ही सिमिलर है, एक जैसा ही है। तो डॉक्टर लोगों के डॉक्ट्रिन अच्छे होने चाहिए, यानी कि बहुत बढ़िया होने चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। नेक्स्ट देखते हैं मैमथ। मैमथ क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है, इमेंसली लार्ज, ह्यूज या फिर इनॉर्मस। तो कोई भी चीज़ जो कि बहुत बड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, मैमथ कहते हैं। कोलोसल, गर्गैचुअन और प्रोडिजियस, और एंटम्स क्या है, मिनिस्क्यूल, मिनिएचर, कॉमन या फिर लिटिल। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके पेपर के लिए, इस वाले वोकैब में काफ़ी कुछ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। कोलोसल इंपॉर्टेंट है, गर्गैचुअन इंपॉर्टेंट है, प्रोडिजियस इंपॉर्टेंट है, मिनिस्क्यूल, मिनिएचर, ये पाँचों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसका एग्जांपल, दे आर एबल टू क्विकली पुल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर मैमथ डेटाबेस। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, क्विकली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को निकाल रहे हैं जो बहुत सारा डेटाबेस पड़ा है उसमें से। ओरिजिन कहाँ से, 18th century वर्ड से, रशियन वर्ड से इसका ओरिजिन है, ठीक है। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है, इस मैन का माउथ मैमाउथ है। तो देखिए इस मैन का जो माउथ है, कैसे कहेंगे आप, इस मैन का माउथ कैसा है, बहुत ही लार्ज है। तो क्या कह सकते हैं कि इस मैन का जो माउथ है वो कैसा है, मैमथ है, यानी कि बहुत बड़ा है। तो कोई भी चीज़ जो कि बहुत बड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, मैमथ कहते हैं। तो इस मैन का माउथ कैसा है, मैमथ है, यानी कि बहुत बड़ा है, ओके। इस तरीके से आप इसे लेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोंग, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैविंग प्रोंग्स ए ब्रांच ऑफ ए स्ट्रीम, ओके, शाकदार। और उसके सिनोनिम क्या है, बिफर्केट, डिवेरिकेट, और एंटोनिम्स क्या है, जॉइंट या फिर अनब्रांच्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, कपल ऑफ प्रोंग स्टिक्स आर डिराइव इन टू द ग्राउंड टू सर्व एज ए प्रॉप्स फॉर अ हॉरिजॉन्टल बार। यानी जो कपल ऑफ क्या, प्रोंग स्टिक्स को क्या किया गया, ड्रिवन किया गया ग्राउंड के अंदर हॉरिजॉन्टल बार के लिए। अब रिलेटेड वर्ड क्या है, प्रोंग, ठीक है। और ओरिजिन कहाँ से, इसका मिडिल लो जर्मन लैंग्वेज से इसका ओरिजिन है। अब देखिए इसके ट्रिक कितनी आसान है, रॉन्ग यूज़ किया इन्होंने प्रोंग को। तो रॉन्ग यूज़ किया इन्होंने प्रोंग का, तो देखिए ये क्या है, ये फोक है, यानी कोई भी चीज़ जो कि कांटेदार होगी या फिर शाखदार होगी, जिसकी शाखाएं होगी, उसको क्या कहते हैं, प्रोंग कहते हैं उसे, जिसकी शाखाएं होगी, ठीक है। अब कोई चीज़ वो मेटल की भी हो सकती है, जैसे कि ये फोक होते हैं, ये भी क्या कैसे होते हैं, प्रोंग्ड होते हैं।
तो एक पर्सन है उसने रॉन्ग यूज किया इन प्रॉम्प्ट का, यानी कि इसने उसने क्या किया मर्डर कर काम में, मर्डर के लिए इसको काम में लिया। आप देख सकते हैं इसके ब्लड लगा हुआ है, ठीक है, तो उसने क्या किया रॉन्ग यूज किया इन्होंने प्रॉम्प्ट का, प्रॉन्ग और रॉन्ग, इस तरीके से हम इसको रिलेट करके हमेशा के लिए याद कर सकते हैं कि कैसे यूज किया रॉन्ग यूज किया प्रॉन्ग को। प्रॉन्ग का मतलब कोई भी चीज जो कि शाखादार है कांटेदार है उसको कहते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं हमेशा। नेक्स्ट है डॉगमा, जो कि नाउन है जिसका मतलब होता है एन ऑफिशियल सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स कंसर्निंग फेथ मॉरल मॉरल्स बिलीव बिहेवियर एक्सेट्रा। तो कोई धारणा जो फिलॉसफी होती है किसी भी चीज की कन्विक्शन होता है उसको अपन डॉगमा कहते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, कन्विक्शन और क्रीडो दोनों इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल क्या है ही लेड डाउन इज डॉगमा एज ए नेसेसरी बेसिस ऑफ एनी रिफॉर्म बाय पर्सुएशन, यानी कि उसने अपने बिलीव जो थे धारणा थी उसको नेसेसरी बेसिस बताया किसी भी रिफॉर्म के। ओरिजिन कहाँ से, 16th सेंचुरी लैटिन वर्सेस का ओरिजिन है, ठीक है। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है, रोड पे दिखने वाले डॉग का कोई डॉगमा नहीं होता, वो काट लेते हैं। तो देखिए अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो कोई भी डॉग जो होगा ना उसका कोई डॉगमा नहीं होता है, वो सभी को काट लेते हैं, अगर उसको लगा काटना चाहिए तो वो काट लेगा, ठीक है। उनके कोई प्रिंसिपल नहीं होते हैं, कोई बिलीव सिस्टम नहीं होता है, कोई फिलॉसफी नहीं होती है उनकी, ठीक है, कोई कन्विक्शन नहीं होता, तो कैसे याद कर सकते हैं डॉग से डॉगमा को रिलेट करके हम आसानी से याद कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे, पेपर में आएगा तो आप इस तरीके से इसको पेपर के अंदर हाथों हाथ ही आप इसे याद कर लेंगे, फ्यूचर में देखेंगे जब आप इसे पेपर में या कहीं पर भी तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। तो रोड पे दिखने वाले डॉग का कोई डॉगमा नहीं होता, वो काट लेते हैं, यानी कि उनके कोई प्रिंसिपल नहीं होते। नेक्स्ट है एडरेंस, एडरेंस एक नाउन है जिसका मतलब है द क्वालिटी और द प्रोसेस ऑफ स्टिकिंग फास्ट टू एन ऑब्जेक्ट और सरफेस। तो देखिए किसी भी चीज का जब आप समर्थन करते हैं अटैचमेंट आपका होता है, अनुशक्ति लॉयल्टी होती है, एलिजियंस एलिगेंस होता है, उसको एडरेंस भी कहते हैं। डिसलॉयल्टी इनकंसिस्टेंसी इसके एंटोनिम्स है, और एग्जांपल क्या है ट्रूथ इज एड्रेंस टू फैक्ट इन वॉट एवर सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, जो ट्रूथ क्या है एक समर्थन, ट्रूथ का समर्थन करते हैं दुनिया में चाहे कोई सा भी सेक्शन हो सोसाइटी का। रिलेटेड वर्ड क्या है प्री एड्रेंस, जो कि एक नाउन है। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है, अड़े रहने वाले लोग पूरे एड्रेंस होते हैं पार्टी के। तो देखिए जो अड़े रहते हैं अपनी बातों पे वो कैसे होते हैं एड्रेंस होते हैं अपनी पार्टी के, यानी कि पूरे सपोर्टर होते हैं अच्छी तरीके से। आपको बताइए देखिए बीजेपी हो या कांग्रेस हो इनके जो मिनिस्टर्स होते हैं कई बार गलत कमेंट कर देते हैं, और गलत कमेंट करने के बाद में ऐसा नहीं कि वो पार्टी उस चीज़ को अपोज करे, वो क्या करते हैं अड़े रहते हैं कि बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है हम तो अड़े रहेंगे यही सच है। तो जो अड़े रहता है ना वो अपनी पार्टी का क्या हो गया बिल्कुल लॉयल पर्सन हो गया। तो क्या कहेंगे जो अड़े रहने वाले लोग कैसे होते हैं पूरे एड्रेंस होते हैं, यानी कि अड़े रहने वाला और एड्रेंस, देखिए कितने दोनों सिमिलर हैं हिंदी वर्ड के, अड़े रहना और एड्रेंस, तो अड़े रहते हैं वो कौन हुए एड्रेंस हुए, यानी कि जो समर्थन हुए। आज का लास्ट वर्ड देखते हैं न्यूंस, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कैरेक्टराइज्ड बाय सटल शेड्स ऑफ मीनिंग और एक्सप्रेशन, ठीक है। तो न्यूंस का मतलब क्या है कि देखिए कोई भी चीज़ जो कि एकदम एक जैसी दिखती है जिसके अंदर बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसको कहते हैं न्यूंस। डिस्टिंक्शन हिंट ग्रेडेशन इम्प्लीकेशन, और एग्जाम्पल फ्रैंकलिन नाउ रिविजिट द अफेयर एंड गिव ए मोर न्यूंस असेसमेंट, यानी फ्रैंकलिन ने क्या किया वापस से रिविजिट किया अफेयर को और फिर उसको थोड़े थोड़ी सी चीज़ें असेसमेंट के नजर आए। रिलेटेड वर्ड क्या न्यूंस, यानी कि सटल डिफरेंस और डिस्टिंक्शन इन एक्सप्रेशन मीनिंग और रेस्पॉन्स एक्सेट्रा। ओरिजिन कहाँ से 20th सेंचुरी वर्ड्स है। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है, ये मेरी नीज में न्यूंस डिफरेंस है। तो नीज का मतलब क्या होता है जो आपकी भांजी होती है उसको नीज कहते हैं, ठीक है। तो आपकी जो दो नीज है जिनके अंदर बहुत कम डिफरेंस है तो क्या कहेंगे आप कि ये मेरी नीज में न्यूंस डिफरेंस है। न्यूंस यानी कि बहुत ही थोड़ा सा जो अंतर होता है, जो थोड़ा सा जो अंतर होता है उसको न्यूंस कहते हैं। तो नीज को न्यूंस से लेट करके हम इसे हमेशा याद कर सकते हैं, ठीक है। नेफ्यू होता है आपका भतीजा और नीज की होगी आपकी भांजी, ठीक है। तो नीज ये मेरी नीज में न्यूंस डिफरेंस है, न्यूंस यानी कि थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। और क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं कल का, जो कल हमने डिस्कस किया था उसका जो सही आंसर था वो ए इसका सही आंसर था, ठीक है। तो उम्मीद है काफ़ी लोगों ने इसका आंसर सही किया होगा। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो आपके सामने ब्लैंक है और उसमें से एक आपको सही पिक करना है और यहाँ पे अप्रोप्रिएटली यहाँ पे सुटेबल वर्ड को यहाँ पे फेस करना है। तो उम्मीद है कि काफ़ी लोग उसका सही आंसर करेंगे इसको अच्छे से पढ़ के। और देखते हैं मैच द कॉलम, आज देखिए हमने जो पहले वर्ड को याद किया है रिनेक को वो कैसे याद किया है, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी इन सब को यहाँ पे एक एक करके यहाँ से रिलेट करेंगे और अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। तो जो रिनेक को हमने कैसे याद किया था कि रेन आ गई तो पेरेंट्स ने क्या किया रिनेक किया, यानी कि उन्होंने मना किया अपनी बात से मुकर गए। डिसमेंटल मेटल को ये लोग डिसमेंटल करते हैं यानी कि अलग करते हैं। हेजेमनी हज पे किसी का हेजेमनी नहीं है ये थर्ड वाला। प्रोलिफरेशन प्रोलीग का प्रोलिफरेशन हो रहा है यानी कि प्रचार हो रहा है। डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन लोगों का डॉक्ट्रिन अच्छा होना चाहिए यानी कि उनके प्रिंसिपल अच्छे होने चाहिए। और मैमथ इनका माउथ मैमथ है यानी कि बहुत बड़ा है। प्रॉन्ग्ड
रॉन्ग यूज किया प्रॉन्ग को, यानी कि कोई भी चीज जो कि सीखदार होती है। डॉगमा, डॉग का कोई डॉगमा नहीं होता, वो काट लेते हैं, यानी कि कोई उनके प्रिंसिपल नहीं होते। एड्रेंस, अड़े रहते हैं, जो एड्रेंस होते हैं यानी कि 100% लॉयल होते हैं। और न्यूज, ये मेरी न्यूज न्यूज है, यानी कि थोड़ा सा इसमें अंतर है। तो इस तरीके से मैच द कॉलम से आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। और देखिए, कल मैंने एक आपको एक वर्ड दिया था फिरोशियस का, बहुत ही अच्छा वर्ड था, जिसके ट्रिक आई है तीन, एक तो बिश्नोई जी की, नितेंद्र जी की और चेतन जी की। बिश्नोई जी कहते हैं कि जिन्होंने फेयर नहीं होता वो हर काम फिरोशियस तरीके से करते हैं। तो जिन्हें फेयर नहीं है, फेयर को फिरोशियस से रिलेट किया है। फिरोशियस का मतलब है जिनमें इंटेंस एनर्जी होती है, ठीक है, फुल ऑन एनर्जी रहती है बहुत अच्छे तरीके से, ओके, फिरोशियस। दूसरा देखिए, फेमस लोग से पंगा लेने पे वो फिरोशियस रूप ले लेते हैं, तो फेमस को उन्होंने फिरोशियस से लेट किया, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तीसरा देखिए, शादी में फेरों पे दहेज मांगा तो फिरोशियस हो गए। देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है, तो शादी में फेरों में दहेज मांगा तो कैसे हो गए, बहुत इंटेंस हो गए, ओके, तो कैसे हो गए, फिरोशियस हो गए। और आज की जो आपको ट्रिक बनानी है वो ग्रेडेशन वर्ड की बनानी है, ये वर्ड हमने कवर अप कर भी चुके हैं, और उम्मीद है आप इसकी अच्छी ट्रिक बनाएंगे और हमेशा इसे याद रखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। साथ में वोकैब 24 और जीके 24 को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपकी इंग्लिश को और जीके को बहुत इंप्रूव कर देगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।